वेलकम बैक टू टेक थेरेपी। मैं हूं शाज़ेब अशरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम आउटडोर कंडीशन में आए हुए हैं और अर्टिगा गाड़ी हमारे सामने है और हाथ में है ये टूसा का स्मार्ट एयर कंप्रेसर, जिसका रिव्यू करेंगे आज की वीडियो में। इसे हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है सिर्फ 3000 रुपीस के प्राइस पॉइंट पे। तो चलिए फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं एंड देन इसका रिव्यू करते हैं। तो ये दोस्तों इसका बॉक्स, टूसा स्मार्ट एयर कंप्रेसर डीसी 12 वोल्ट, एंड यहाँ पे भी टूसा लिखा हुआ है, लिव द फ्यूचर है। और देख लेते हैं क्या कुछ मेंशनड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ स्मार्ट फीचर्स आपको मिल जाते हैं। इजी टू यूज़ है, पावरफुल है, ऑटो शट ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है, LED लाइट आपको मिल जाती हैं इसके अंदर, प्रिसाइज है और कॉम्पैक्ट है। सो लेट्स ओपन द बॉक्स। तो यहाँ से इसे खोलेंगे। सो ये है दोस्तों हमारा बॉक्स एंड अंदर है एयर कंप्रेसर। सबसे ऊपर आपको एयर कंप्रेसर मिल जाता है। देन यहाँ पे कुछ गाइड्स हैं, ये आपकी गाइड है, यूज़र गाइड, और ये है आपका जॉइन टूसा VIP क्लब का कार्ड। देन ये कुछ एसेसरीज हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बॉक्स में आपको ये कैरी पाउच मिल जाता है जिस पे टूसा लिखा हुआ है, और इसका जो साइज़ है ये आपके कंप्रेसर के लिए सफिशेंट है। एंड दोस्तों ये हमारा एयर कंप्रेसर, ये आप देख सकते हैं, ये आपको पावर की कॉर्ड मिल जाती है, ये काफ़ी बड़ी है। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं इसके ऊपर। फर्स्ट स्टेप है स्टार्ट द इंजन, कनेक्ट टू पावर, देन कनेक्ट टू द टायर। उसके बाद है चूज डिस्प्ले यूनिट एंड एंटर योर डिजायर्ड प्रेशर। उसके बाद है वेट अंटिल इट स्टॉप्स फ्लैशिंग, यानी कि ऑटोमेटिकली एयर को यहाँ पे फिल करेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, वार्निंग, डोंट यूज़ कंटिन्यूसली फॉर मोर देन 7 to 10 मिनट्स। बैक से दोस्तों आप देखते हैं तो ये इस तरह की डिज़ाइन में आता है और काफ़ी कॉम्पैक्ट इन साइज़ है। और नीचे की तरफ आपको यहाँ पे एक लाइट भी मिल जाती है, जो कि इसका बहुत ही बढ़िया फीचर है। ये है दोस्तों इसका प्रेशर पाइप विद नॉब, ये इस तरह से अंदर लगा हुआ है एंड इस तरह से इसके अंदर होती है, इसको आपको निकालना होता है, ये देखिए। एंड ये इसका साइज़ है, ये इतनी लंबी है। एंड जो बिल्ड क्वालिटी है दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है टूसा के एयर कंप्रेसर में। फ्रंट में दोस्तों यहाँ पे आपको पावर का बटन मिल जाता है ऑन ऑफ के लिए, उसके ऊपर ये लाइट का बटन है। देन ये आपको मिल जाता है डिस्प्ले पैनल, ये माइनस एंड प्लस का बटन दिया गया है, देन ये रीसेट का है। तो ये देख लेते हैं किस तरह से इसे आपको यूज़ करना है अपने टायर के लिए। तो ये दोस्तों इसका पावर प्लग, इसको आपको अपनी कार में लगा लेना है DC के आउटपुट में। तो यहाँ पे ये प्लग दिया हुआ है, सॉकेट इसमें हम इसको लगा देते हैं। तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया है और चलिए देख लेते हैं, इसमें लाइट भी जल चुकी है यानी कि ये वर्किंग कंडीशन में आ गया है। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि गाड़ी को आपको स्टार्ट कर लेना है, वरना आपकी बैटरी पे लोड पड़ेगा अगर आप गाड़ी को बिना ऑन करे इसे यूज़ करेंगे। दोस्तों ये जो प्रेशर का नॉब दिया गया है आपको, इसे आपको लगाने के बाद इस तरह से लॉक कर देना है, और इसे जब आप ऐसे ऊपर की तरफ कर देंगे पुश तो ये फ्री हो जाएगा। करंट प्रेशर चेक कर लेते हैं कितना है। तो इसको मैं यहाँ से खोल लेता हूँ और इसे हम यहाँ पे लगाएंगे और इसे लॉक कर देंगे। लॉक कर देना है आपको इसे, वरना सारी हवा निकल जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जो इसका करंट प्रेशर है वो ये शो कर रहा है 37 PSI। तो चलिए अब इस टायर की हम पूरी हवा निकाल देते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि एक बार इसको पूरा फिल करने में एयर को कितना टाइम ये लेगा। टायर की पूरी हवा निकाल दी गई है और टाइमर अभी मैं ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखाऊँ ये कितना टाइम लेगा पूरे टायर को फिल करने में। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों अभी जीरो प्रेशर है एकदम, और टाइमर भी हाथ में ही है। तो प्रेशर 32 कर दिया है और इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों 32.5 पे ऑटोमेटिकली ये शट डाउन हो गया है और 4 मिनट 4 सेकंड का टाइम इसने लिया है, जो कि काफ़ी कम है जीरो से यहाँ तक लाने के लिए। एंड सबसे बढ़िया चीज़ मुझे इसकी क्या लगी कि ये बीच में कभी भी रुका नहीं, एक टाइम में इसने पूरा ये प्रोसेस किया है। और जो इसके फीचर्स हैं उसमें काफ़ी अच्छे से ये परफॉर्म करता है। इसकी जो लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी ब्राइट लाइट है। तो अगर नाइट कंडीशंस में ऐसी कोई आपको ज़रूरत पड़ जाए टायर को फिल करने के लिए, एयर फिल करनी पड़ जाए, तो ये प्रेशर मशीन काफ़ी बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है। ध्यान आपको ये रखना है इसको यूज़ करते टाइम कि आपको कंटिन्यूसली 10 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं यूज़ करना है, बीच में ब्रेक आपको देना पड़ेगा, वरना ये ख़राब भी हो सकती है, हीट हो सकती है। लेकिन अगर आपको एक टायर ही खाली भरना है तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, 4 मिनट का टाइम इसने लिया है हमारे टेस्ट में। बात करते हैं इसके ओवरऑल क्वालिटी के बारे में, तो काफ़ी अच्छे से इसने परफॉर्म किया है हमारे टेस्ट के अंदर। जो ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी है काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है और काफ़ी इजी टू यूज़ रहता है, आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको इसे अपने टायर में एक बार जोड़ देना है, देन ही ऑटोमेटिकली सारे काम करता है। तो आप भी इसे काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं, आपको
कार में हवा डालनी हो, बाइक में आपको प्रेशर डालना पड़े या फिर बाइसाइकिल है आपके पास, तो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर जाएगा, आप इसको आसानी से यूज़ कर पाएंगे। बहुत सारे ब्रांड्स के अवेलेबल थे एयर कंप्रेसर, लेकिन टूसा का बहुत नाम चल रहा है आज के वक्त में, तो हमने सोचा भाई इसको भी एक बार टेस्ट करके देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है ये, अगर इसकी इतनी ज़्यादा अच्छी इमेज बनी हुई है। तो ये था दोस्तों एक पूरा रिव्यू टूसा के स्मार्ट एयर कंप्रेसर का, आप भी इसको मंगा सकते हैं। इसका बेस्ट बाय लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर के आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, और चैनल पर पहली बार देखी है तो टेक थेरेपी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। फिर मिलेंगे आप सभी से एक और नई एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा इसी तरह। हैव अ नाइस डे।